आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 24 सितंबर को एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। खबरें थी कि कपल जल्द ही दिल्ली वापस आएगा, उसके बाद गुड़गांव में ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा, लेकिन सूत्रों की माने तो प्लान अब पूरी तरह से बदल गया है। साथ ही हनीमून प्लान भी पूरी तरह से चेंजेस हैं। बताया जा रहा था कि कपल मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली में एक एक रिसेप्शन रखेंगे, लेकिन अब ये कार्यक्रम टल गया है और इसकी वजह श्राद्ध बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने वाला है, जिसके चलते कपल अब अपने रिसेप्शन का कार्यक्रम श्राद्ध के बाद ही रखेगा। इसी के साथ ही परिणीति और राघव ने अपने हनीमून का प्लान भी पोस्टपोन कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि राघव और परिणीति दोनों ही प्रोफेशनली बिजी हैं, क्योंकि परिणीति की जल्द ही अक्षय कुमार के साथ फिल्म मिशन रानीगंज शुरू होने वाली है और इसका प्रोडक्शन भी जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके चलते परिणीति दिल्ली और मुंबई के बीच काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा। वहीं राघव चड्ढा शीतकालीन सत्र में बिजी रहेंगे, ऐसे में दोनों ने अपना प्लान पोस्टपोन करने का इरादा किया है। गौरतलब है कि परिणीति और राघव अपने प्लान्स को कंप्लीट करने के लिए लंबा समय रख लेते हैं, पर उनका आखिर में प्लान धांसू ही साबित होता है, फिर चाहे एंगेजमेंट फंक्शन हो या फिर ग्रैंड वेडिंग। ऐसे में फैंस को यकीन है कि जब भी राघव और परिणीति का रिसेप्शन होगा वो भी काफ़ी शानदार होगा। इसी के साथ ही वो हनीमून को भी काफ़ी अच्छे से प्लान करेंगे।